आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी का n-वा पद यानी कि nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करना सीखा। यहाँ आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। गौरव ने 15 वर्ष के लिए किराए का मकान लिया। उसे ये मकान 5,000 रुपए के मासिक किराए और 500 रुपए मासिक प्रतिवर्ष वार्षिक किराए की वृद्धि के साथ दिया गया। 11वें वर्ष में उसका मासिक किराया क्या होगा? पहले वर्ष का मासिक किराया 5,000 रुपए होगा। क्या आप उसके दूसरे वर्ष का मासिक किराया ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश, यह बहुत ही आसान है। हमें बस उसके पहले वर्ष के मासिक किराए में बढ़ी हुई वार्षिक वृद्धि को जोड़ना होगा, अर्थात दूसरे वर्ष का मासिक किराया 5,500 रुपए होगा। इसी प्रकार हम उसके तीसरे वर्ष का मासिक किराया जानने के लिए पिछले वर्ष के किराए में 500 रुपए जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम उसके चौथे वर्ष का मासिक किराया ज्ञात कर सकते हैं। अतः तीसरे वर्ष का मासिक किराया 6,000 व चौथे वर्ष का मासिक किराया 6,500 रुपए होगा। ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ एक श्रेणी मिल रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? शाबाश, यह एक एपी है। चूंकि अब हमें 11वें वर्ष का मासिक किराया ज्ञात करना है, तो बताइए 11वें पद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अब हम एन वा पद ए एन या व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रथम पद ए बराबर 5,000, सार्वंतर डी बराबर 500 और एन बराबर 11 है। अतः इस एपी का 11वां पद 10,000 है, इसलिए 11वें वर्ष का मासिक किराया 10,000 रुपए होगा। इस वीडियो में हमने एपी का n-वां पद ज्ञात करने पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।